नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस स्टॉक का काम देखेंगे तो एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स एंड इज ऑल्सो सप्लायर ऑफ ऑटो एलपीजी इन इंडिया विथ इट्स नेटवर्क ऑफ बॉटलिंग प्लांट्स एंड ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे अराउंड 2021 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास रिजर्व कैश कितना है 785 करोड़ का, डिविडेंड यील्ड 0.14%। इसका मीनिंग ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट है इसलिए तो आपको लाभांश दे रहा है ना, डिविडेंड शेयर कर रहे हैं ना, तो कंपनी अभी के लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन डिविडेंड बहुत ही लोअर साइड के ऊपर है, फिर भी प्रॉफिट शेयर कर रहा है। स्टॉक का पी चल रहा है 22.5 का एंड इंडस्ट्री पी है 25। इंडस्ट्री पी के नीचे स्टॉक का पी चल रहा है। आर ओ सी है 17.6 का, आर ओ ई है 11.9%। प्रोमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 61.3%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। प्रोमोटर ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करे, इसका मीनिंग ये है कि प्रोमोटर का कंपनी के ऊपर फेथ है। अगर डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे 0.01 है। देखिए, कंपनी अभी के लिए जीरो डेप्ट कंपनी है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 7.45%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 54.8%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 33%। तो यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसका मीनिंग है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब हम इसका क्वार्टर टू क्वार्टर एक बार रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। देखिए, मार्च 21 में इसका सेल्स था 338 करोड़ का एंड अभी सेल्स कितना है 673 करोड़ का। सेल्स यहाँ पे लगभग डबल हो गया है एंड ओपीएम था मार्च 21 में 15% एंड ओपीएम अभी है 10%। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 21 में था 26 करोड़ का एंड अभी भी यहाँ पे 26 करोड़ का। ये तो हो गया क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट। एक बार अभी हम ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर चेक कर लेते हैं। अगर एक स्टॉक का प्राइस को बड़ा टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जैसे कि 3 ईयर 5 ईयर का व्यू लेकर, हमेशा से ईयर टू ईयर कंपेयर कीजिए, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी कभी भी 30% ग्रोथ डिलीवर नहीं कर सकता है। ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ डिलीवर कर सकता है 30% का या उससे ऊपर का, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर डिलीवर करना मुश्किल है। इसीलिए बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस में हमेशा से ईयरली एनालिसिस को कंसिडर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे मार्च 2019 को देखेंगे, कंपनी का यहाँ पे सेल्स था 1000 करोड़ का एंड अभी कितना है 2200 करोड़ का। प्रॉफिट कितना था यहाँ पे मार्च 19 में 67 करोड़ का, अभी है 93 करोड़ का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी लगातार यहाँ पे हर क्वार्टर में एंड ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अगर इस मैचिंग के साथ, नेट प्रॉफिट का मैचिंग के साथ अगर टेक्निकल चार्ट सेटअप बन जाता है, वहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जो कि इस स्टॉक का प्राइस में अभी के लिए बन रहा है, जो कि आगे हम डिटेल्स में चार्ट में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले एक बार हम उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए, प्रोमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 61.32%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जितना बड़ा क्वांटिटी प्रोमोटर होल्ड करेंगे, इसका मीनिंग है कि कंपनी के ऊपर मालिक का फेथ है, जिस इसकी वजह से तो हायर क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं ना। FI का यहाँ पे होल्डिंग बन रहा है 1.94%, एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन FI यहाँ पे धीरे धीरे करके शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, जिसको आप एक रेड फ्लैग मान सकते हैं। DI का यहाँ पे होल्डिंग है 1.23% एंड पॉजिटिव साइन ये है कि DI यहाँ पे धीरे धीरे करके शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि सेप्टेम्बर 22 में था 0%, दिसंबर 22 में हो गया 0.74, मार्च 23 में हो गया 0.92 एंड जून 23 में यहाँ पे हो गया 1.23 का। अगर अभी हम इसका टेक्निकल चार्ट सेटअप देखेंगे, जहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, अगर उस पैटर्न को प्राइस ट्रिगर कर लेता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि देखिए कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है। बाकी जो पैरामीटर है, अगर टेक्निकल वहाँ पे ट्रिगर बन जाता है ना, बाकी पैरामीटर को आप हाइड कर सकते हैं, जैसे कि ओपीएम लोअर है, तो उसी केस में भी अगर टेक्निकल में ब्रेकआउट आ जाता है, वहाँ पे एक बार के लिए स्ट्रांग मूव आ सकता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे
प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। टेक्निकल के साथ एक कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का सेटअप बन रहा है। उससे पहले एक बार पब्लिक का होल्डिंग देख लेते हैं। देखिए इस कंपनी में जो पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 35.53%। अगर यहाँ पे पब्लिक का कैटेगरी में कोई बिग इन्वेस्टर है कि नहीं चेक कर लेंगे तो देखिए 2% के आसपास यहाँ पे होल्ड हो रहा है अमर्थ रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो अराउंड यहाँ पे 33% के आसपास रिटेल पब्लिक है जिनका होल्डिंग बिलो 1% है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में रिटेल का होल्डिंग अगर एबव 20% रहता है वहाँ पे एक बार रेड फ्लैग आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे रिटेल का होल्डिंग जिनका होल्डिंग बिलो 1% है, पर्टिकुलर पर इन्वेस्टर यहाँ पे 1% से बिलो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जैसा रिटेल। क्योंकि अगर किसी का होल्डिंग 1% से ऊपर रहेगा तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आ जाएगा, क्योंकि हमारे जैसा रिटेल कभी भी 1% से ऊपर होल्डिंग किसी भी स्टॉक में रख नहीं सकते बिकॉज ऑफ लो कैपिटल, जिसकी वजह से 33% ऐसा रिटेल है जिनका होल्डिंग बिलो 1% है, जो कि एक नेगेटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पे रिटेल का पार्टिसिपेशन भी 33% के आसपास है। अगर आने वाले टाइम में रिटेल का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बिलो 20% चला आता है वो सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो यहाँ पे कोई भी बिग इन्वेस्टर पब्लिक कैटेगरी में कुछ शेयर बाय कर लेंगे जिनका होल्डिंग 2-5% हो जाएगा, वो भी एक स्ट्रांग पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं। लेकिन अगर सारा सीनियर देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करेंगे। स्टॉक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अगर टेक्निकल में ट्रिगर बन गया तो एक बार बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है कॉन्फिडेंस पेट्रो का। टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ वीकली, क्योंकि अभी हम 6-10 मंथ का व्यू के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए 2020 में यहाँ पे बॉटम बना था, बॉटम बन जाने के बाद स्ट्रांग अप ट्रेंड में गया था एंड यहाँ पे जो हाई बना था नियरली 2021 अक्टूबर में एंड लेवल था 94 के आसपास। देखिए 94 लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रांग कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। देखिए ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल। जैसे ही प्राइस यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न का जो नेकलाइन यहाँ पे बन रहा है, जो ब्लू लाइन ड्रॉ किया है, वो लेवल बन रहा है 86 के आसपास। अगर आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ पे 86 के ऊपर डेली या वीकली क्लोजिंग आ जाता है, उसके बाद ये जो कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना है इसमें ट्रिगर आ जाएगा। देखिए ये प्राइस का एक कैरेक्टर है, हमेशा एक स्ट्रांग अप मूव देने के बाद एक रेंज के अंदर खुद को रिफिलिंग करता है एंड एक वहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता है। जैसे कि देखिए 2020 में बॉटम बन जाने के बाद स्ट्रांग अप ट्रेंड यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था एंड यहाँ पे क्लियर कट एक रेंज के अंदर खुद को रिफिलिंग किया था। रिफिलिंग करने के बाद यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस कॉप एंड हैंडल पैटर्न का नेकलाइन जो यहाँ पे बन रहा है, जो ब्लू लाइन जा रहा है 86, उसके ऊपर डेली या वीकली क्लोजिंग आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट आ सकता है, अप टू 100 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर हम पैटर्न के हिसाब से टारगेट मेजर करेंगे 150, आप राउंड फिगर में मान सकते हैं 150 तक, तो आराम से प्राइस यहां पे 150 तक जा सकता है। अगर प्राइस एक बार यहां पे जो 86 का लेवल बन रहा है ना, जो कॉप एंड हैंडल पैटर्न का नेकलाइन यहां पे बन रहा है, उसको ट्रिगर करने के बाद ये मूवमेंट आ सकता है। तो इस स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा, कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड एक स्ट्रांग बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कि कॉप एंड हैंडल पैटर्न का है। एक बार ब्रेक करने के बाद मूवमेंट आ सकता है एंड हमेशा से आपका क्वांटिटी को मैनेज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन स्टॉक मार्केट। मैं आशा करता हूं आप डेटा एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।